दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर हुआ ऐसा घमासान जिसको देखकर पूरे क्रिकेट जगत के उड़े होश। ऑस्ट्रेलिया की खौफनाक बल्लेबाजी के बाद अश्विन के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों ने इस कदर मचाया बवाल की खून की आंसू रोने को मजबूर हो गए मेहमान। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के मजबूत इरादों को चकनाचूर करते हुए पहले दिन भारतीय टीम ने बना लिया अजय भड़त। उनकी गेंदबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले में हार झेलने वाली कंगारू की टीम दिल्ली के मैदान पर मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। भारतीय टीम का जोश भी सातवीं आसमान पर था, क्योंकि पिछले 38 साल से कोई भी टीम यहां भारत को हराने में कामयाब नहीं हो पाई। इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वार्नर के साथ ख्वाजा रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान पर उतरे। पहले ओवर में शमी ने डेविड वार्नर को चलता किया, लेकिन DRS के कारण वार्नर अपना विकेट बचाने में कामयाब रहे। मुकाबले की शुरुआत में रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और अपने पिछले मुकाबले से खफा उस्मान ख्वाजा अलग इरादे से मैदान पर आए थे और उन्होंने शमी के दो बॉलों पर दो चौके ठोक डाले और अपने इरादे भारतीय टीम के सामने साफ कर दिए। लेकिन बाद में शमी और सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और रनों पर लगाम लगा दिया। 10 ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया टीम महज 26 रन ही बना पाई थी और भारतीय टीम उन पर बुरी तरह से हावी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उस्मान ख्वाजा अब ज्यादा देर तक शांत रहने वाले नहीं थे। गेंदबाजी करने आए अश्विन के ओवर की पांचवी बॉल पर 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का दे मारा। उनके इस छक्के को देखकर भारतीय खेमा पूरी तरह हैरान था और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया ने 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अब भारत को किसी भी हाल में विकेट की तलाश थी। और भारतीय टीम की इस तलाश को पूरा किया मोहम्मद शमी ने। पारी के 16वें ओवर में शमी ने ऐसी खतरनाक बॉल डाली जिसने वार्नर को 15 के स्कोर पर चलता किया और मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका देकर भारतीय टीम की वापसी करा दी। और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते लवुस्सा ने। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया 90 के स्कोर तक पहुंच गया। और वहीं ख्वाजा अपनी तूफानी पारी को जारी रखते हुए अपने अर्धशतक तक पहुंचने वाले थे। लेकिन उसी वक्त टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए अश्विन ने महज 3 बॉलों पर पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, पारी का 23वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 23वें ओवर की चौथी बॉल पर लवुस्सा ने को 18 के स्कोर पर अश्विन ने चलता किया और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ को अश्विन ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। अब उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आती है ट्रेविस हेड और दूसरी ओर खड़े ख्वाजा ने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और दोस्तों, लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने 94 रन बना लिए थे, लेकिन लंच के बाद हेड ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। अश्विन को छक्का लगाकर उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। तभी रोहित ने शमी को बॉल थमा दी और शमी ने 12 के स्कोर पर हेड को चलता किया और उनके आउट होने के बाद मैदान पर आए पीटर हैंडस्कॉम्ब। और मैदान पर आते ही पीटर ने शमी को दो बॉलों पर दो चौके लगाकर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। 35 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 121 रन बना दिए थे। वो देखते देखते दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को उस्मान ख्वाजा ने 3 खतरनाक चौके जड़ दिए थे। अब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम वापस लय में आ गई है, लेकिन भारतीय गेंदबाज किसी से कम नहीं है।